दोस्तों आप एक किसान हैं, अगर आप किसान हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं किसान पेंशन योजना के बारे में। आज हम बात हम करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसान पेंशन योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर आपको 3,000 रुपये प्रति महीने की यहाँ पर पेंशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों किसान योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको उसको कैसे आवेदन करना होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बात हम करने वाले दोस्तों। और ये भी हम बताएंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, वो भी घर बैठे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियोस के न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मैं चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ आपको बताऊंगा किसान पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कितने कम सब्सक्राइबर, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाए। दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ऑफिशियल पोर्टल। दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा कि किसान पेंशन आपको कैसे मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसके पोर्टल में आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखने लिखा है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊंगा किसान पेंशन योजना आपको कैसे मिली। इसमें क्लिक कर देंगे डिटेल्स में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपका ओपन होकर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया, फीचर का ऑप्शन है, बेनिफिट्स हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ आपको पेंशन यहाँ पर आपको कितनी मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि मंथली पेंशन ऑफ रेट 3000, यानी आपको 3000 रुपये प्रति महीने के यहाँ पर आपको पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, दोस्तों यहाँ पर आपको एक किसान होना चाहिए, ठीक है, जो कि इसकी एज होनी चाहिए, वो एज आपकी 18 साल से लेकर 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसकी आपकी मंथली इनकम की बात करें, दोस्तों यहाँ पर आपकी 15,000 रुपये प्रति महीने की कम की आय होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के हैं तभी इसके लिए आवेदन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपसे मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 55 रुपये आपसे लिया जाएगा, यानी प्रत्येक किसान के ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 55 रुपये यहाँ पर कट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड आपका लगेगा और आपका सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन खाता का अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक जनधन खाता अकाउंट नहीं खोला है तो दोस्तों मेरे चैनल में एक वीडियो है, तो दोस्तों वो वीडियो आप देखकर आसानी से प्रधानमंत्री जनधन खाता यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको करेंगे क्या, दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से एक होम पेज में आ जाता हूँ, होम पेज में क्लिक कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, सिंपली आपको इसी के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा है कि सेल्फ एनरोलमेंट या सीएससी वैली। दोस्तों मैं एक सीएससी वैली हूँ तो मैं डायरेक्ट सीएससी वैली से अप्लाई करूँगा, लेकिन दोस्तों अगर आप खुद से घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, दोस्तों यहाँ लिखा है सेल्फ एनरोलमेंट, सिंपली आपको इसी के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करेंगे, आपके फोन में ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, उससे आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सीएससी वैली है तो सीएससी वैली कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं सीएससी वैली के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सीएससी से कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट होने में सिंपली आप करेंगे क्या, दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन दिया है कम एनरोलमेंट का, सिंपली आपको इसी के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करें दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में लिखा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, दोस्तों इसी में आपको किसान पेंशन मिलेगी, सिंपली आपको इसी के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों राइट साइड में कुछ इंट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या इंट्रक्शन आपको दिए हैं, ये सारे इंट्रक्शन आपको यहाँ पर पढ़ लेना होगा क्योंकि 1 से लेकर 18 नंबर तक यहाँ पर सारे इंट्रक्शन वगैरह बताए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर करेंगे बेनिफिशियरी एनरोलमेंट में लिखा है प्रधानमंत्री किसान मानधन, यहाँ पर बेनिफिशियरी आधार नंबर फिलअप कर देंगे, यहाँ पर सिंपली आपको टिक करके यहाँ पर फेज डिटेल्स में क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों इसके बाद करना है जैसे मैं कोई भी यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर टिक कर दिया मैंने और यहाँ पर फेज डिटेल्स के ऑप्शन में क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों मेरा आधार नंबर गलत हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल के यहाँ पर फेज डिटेल्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम फिलअप कर देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे, यहाँ पर आपको जेंडर क्या है वो जेंडर यहाँ पर फिलअप कर देंगे, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है आपकी, ठीक है। ये सारी चीज़ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है, पिन कोड क्या है आपका, और दोस्तों लिखा है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन है तो यहाँ पर येस कर देंगे फिर नो कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर सब कैटेगरी फिलअप कर लेंगे, जो भी आपकी सब कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी आप कैटेगरी है वो आप यहाँ पर कैटेगरी डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर अपना जो फार्मर कैटेगरी है वो चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर टिक करके सिंपली सबमिट के ऑप्शन में सबमिट कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका किसान पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद यहाँ पर आपको 3000 रुपये प्रति महीने की पेंशन आपको मिलने वाली है।
दोस्तों आपको इस प्रकार से किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन आपको करने लेना हो। दोस्तों आवेदन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको यहाँ पर 3,000 रुपए प्रति महीने की आपको पेंशन यहाँ पर मिलने लगेगी। दोस्तों कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना होता है किसान पेंशन योजना के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो सारी चीजें मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।